देखिए यही वो बहन है, आप देख सकते हैं इसके चेहरे पे। कल ये दुल्हन बन के इस घर से जाने वाली थी, लेकिन आज इसका चेहरा देखिए। यही वो बच्ची है जिसका शादी कल होना था। कितना दुखद घटना है कि जिस घर में हंसी खुशी का आज माहौल होता, सारे परिवार के लोग हंसते बिलखते, सब लोग मजाक हंसी करते, लेकिन आज उस घर में बताइए ना कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। लगता है जैसे मुंह पे ताला लगा दिया गया है। लाजमी है ऊपर वाले इतना बड़ा दुख दिए इस परिवार में। हाँ रहती है थी बाराती। अच्छा, यहाँ पे बाराती के लिए जो है कच्चा मिठाई है इसमें, देख सकते हैं कच्चा मिठाई है इसमें, पक्का मिठाई है, बुनिया है, इधर इधर देख लीजिए नाश्ता पानी के लिए जो सारा व्यवस्था है इसमें, झिलिया है। आप दिखाइए, चारों तरफ घुमा के दिखाइए इस परिवार में, इस गांव में सब लोग जो है हैरान है, सब लोग आश्चर्य से एकदम परेशान है, सब सबके सब की जिस घर में जो है आज पूरा गाँव खुशी से झूमता झूमता नाचता, उस गाँव में पूरा जो है अब मातम का माहौल छा गया। आप लोग यहीं के हैं क्या? हाँ बगल से करे भोजाई लागो पीती होता। हाँ अच्छा, कल ही शादी रही बेटी? हाँ रहती है थी बराती। अच्छा, अब बराती है थी आगे ले सामान ले बेटी के बेट जकर बियाह है थी ओकरे सामान ले गेले चौ भाई रही हो। हाँ छोटका भाई रहे। हाँ गेले अठार भेल रहे पिकअप वाला ठोक दल के बच्चा कोन दोक छी मतलब एस्पोर्टे भए गेल। हाँ एस्पोर्टे भए गेले, सिर्फ सौदे ले गेले कोनो सामान घट गेले। हाँ हाँ तब एन ठार अथी वाला अल पिकअप वाला ओकरा पर चढ़ेलकै कि कलकै ठक नहीं गेल। अच्छा कौन गाम में शादी लगे? ए बिशनपुर बहिन, बिशनपुर फुलका। यानी सब तैयारी वारी पूरा एकदम सब चीज खाली बराती टा आबै ले रहले रह और कुछो नहीं। हाँ, सब पता चललै कि सब कुछ आटा उटा सब हाँ, सब सामान ले छै, सब खाना पीना सब बन गेलै। हाँ खाली सिर्फ बराती टा आबै ले। अच्छा वएह बच्चा के मौत नहीं होइ छै, जब गरीब लोग के बेटी छियै तो सबके बेटिये ना छियै। एमे जब सरकार कोनो मदद नहीं करते, 3 लाख टका बेचारा ब्याज ही उठेलकै। अच्छा शादी के लिए? हाँ शादी के लिए, लेकिन ओकर तो मौते हेतै। इएह हमरा आर के कहै छियै, गरीब लोग छै, अब सरकार के जब एहन हेतै तो बेटी के लिए भले सोचतै, ऐसा हमरा आर के की कहब। नहीं नहीं सही बात है, और हम प्रशासन के लोगों से भी नम्र निवेदन करेंगे कि जो घटना हुआ है, और घटना में बताया जा रहा है कि गाड़ी से ठोकर लगी है, उस गाड़ी वाले को जो है अविलंब उसकी गिरफ्तारी हो, और जो रोड एक्सीडेंट में परिवार के लोगों को जो है शायद 4 लाख रुपया अनुदान मिलता है, वो अनुदान की राशि अविलंब इस परिवार को मुहैया कराया जाए, क्योंकि जिस घर में शादी हो, और सुनते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि ब्याज पे 3-3 लाख रुपया ये गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। आप घर देख सकते हैं कितना गरीबी है, और इस गरीब परिवार के लोग जो है 3 लाख रुपया ब्याज पे उठाए हैं, और उसके बाद जो अपनी बेटी का शादी तय किए थे, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जिस दिन शादी थी बारात आना था उसी दिन बेटा यहाँ से बिदागरी हो जाते हैं। जाना बेटी को था शादी करके, लेकिन सदा के लिए बेटा चले जाते हैं इस घर से। बताइए कितना दुखद घटना है। क्या कहेंगे, कल ही शादी था बेटी का और बारात आना था, कैसे घटना हो गया माता जी? जयमाला सामान कुछ घट गया था, बच्चा जा रहे नाने के लिए 5 बजे, और मैं इस अथी में दूठा माल बोझात रहे, वो आपके ठोक दिल। कल ही बराती है? कल ही थी बराती। ठीक है, आपके ठोक दिल। अच्छा, ई के भले? हाँ। बच्ची के शादी कौन बच्ची? देखिए यही वो बहन है, आप देख सकते हैं इसके चेहरे पे। कल ये दुल्हन बन के इस घर से जाने वाली थी, लेकिन आज इसका चेहरा देखिए। यही वो बच्ची है जिसका शादी कल होना था। कितना दुखद घटना है कि जिस घर में हंसी खुशी का आज माहौल होता, सारे परिवार के लोग हंसते बिलखते, सब लोग मजाक हंसी करते, लेकिन आज उस घर में बताइए ना कोई बोलने तक के लिए तैयार नहीं है। लगता है जैसे मुंह पे ताला लगा दिया गया है। लाजमी है ऊपर वाले इतना बड़ा दुख दिए हैं इस परिवार में, कोई कुछ बोलने से मजबूर हैं, बोलना भी चाहते हैं तो बोल नहीं पाते हैं। दिल धड़कता है, क्योंकि जिस बेटी का शादी होना था उसका भाई इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। हम नम्र निवेदन करेंगे प्रशासन के लोगों से कि इसको जो राशि मुहैया करवाया जाए, जो भी मदद की राशि है अविलंब इन परिवार को राशि मुहैया कराया जाए, ताकि कुछ इनको फायदा हो, कुछ इनको लाभ मिले। आप देख सकते हैं कि शादी के जो यहाँ पे बाराती जो आना था शादी में, कल शाम में सारा तैयारी कर लिया गया था। आप देख सकते हैं सामने में इधर सब कुछ इसमें बना बना के रखा हुआ था। जो बाराती नहीं आ पाए, घटना हो गया, उसके बाद जो है सब सामान को लोग जो है क्या करते, बर्बाद हो रहा था, उसको यहाँ पे गड्ढा में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं, देखिए इस गड्ढा में जो है ना
बाराती का जो खाना खाने के लिए व्यवस्था किया गया था सब कुछ इस गड्ढा में फेंक दिया गया। आप देख सकते हैं आटा है, दलिया है, सब कुछ इसी गड्ढा में फेंक दिया गया। क्या किया जाएगा, जिस घर में बाराती आना था उस घर में मातम छा गया। और भी चीज़ हम दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए परिवार का क्या हालात है। बाराती के लिए पूरा व्यवस्था किया हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाराती के लिए जो है कच्चा मिठाई है इसमें, देख सकते हैं कच्चा मिठाई है इसमें, पक्का मिठाई है, बुनिया है, इधर इधर देख लीजिए नाश्ता पानी के लिए जो सारा व्यवस्था है इसमें, झिलिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन आज इसको देखने तक के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जिस घर में एक बेटा चले जाए उस घर में इन चीज़ों का जो है क्या महत्व है, आप समझ सकते हैं। देखिए यही वो बहन है और यही वो बच्ची है, बेटी है, जो शादी इनका होना था, लेकिन आज इसके चेहरे को देख सकते हैं सारा खुशी जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके साथ में जो भाई थे, आपसे बड़ा थे कि छोटा थे भाई? छोटा भाई थे। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? कंचन कुमार। कैसे घटना हो गया, उसमें आपका कौन सा विध विधान हो रहा था, कुछ हो रहा था आपके साथ विधान? नहीं, कल ही नंबर आती आता आपका। हाँ। देखिए यही वो बच्ची है, हम क्या बात करें इनसे, आज दुर्भाग्य कहिए, इस जिस बेटी को आज दुल्हन बन के इस घर से जाना था, आज उस एकदम चेहरा उदास है, पूरा परिवार पूरा गांव का सब कुछ जो है एकदम दिल उदास है, क्योंकि जिस घर में जिस गांव में शादी का खुशनुमा माहौल था वहाँ आज गम में जो है पूरा गाँव का माहौल गम में बदल गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस तरह के घटना के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस परिवार को जो है सरकारी सहयोग अविलंब हम निवेदन करेंगे प्रशासन के लोगों से, जो सरकारी सहयोग इनको मिलना है रोड एक्सीडेंट में जो मिलता है अविलंब इनको मुहैया कराया जाए, ताकि परिवार का जो दुख है थोड़ा कम हो सके। बाकी टीवी टाइम्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।